हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है प्रांजल आर्या और आप सभी देख रहे हैं क्रेजी फॉर टीवी। जब किसी शो की कहानी बेहद ही अच्छी चल रही हो, शो का हर एक कैरेक्टर अपना 100% दे रहा हो, ऊपर से हर एक किरदार मायने भी रखता हो, लेकिन अगर इस बीच शो का कोई एक भी सदस्य शो से जाने का मन बना ले तो ये शो के लिए और शो के हार्डकोर फैंस के लिए काफी ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। अब ऐसा ही कुछ गुम है किसी के प्यार में होने जा रहा है, जो कि स्टार प्लस का इस समय पर मोस्ट फेमस शो बना हुआ है। दिव्यानी तो आप सभी को याद ही होंगी, जिनका किरदार मिताली नाग निभा रही हैं। उन्होंने अपने आप को शो से हमेशा हमेशा के लिए अलग करने का एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। इसके पीछे की वजह है उनका किरदार, जो कि ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं हो पा रहा है। दरअसल इन दिनों मिताली नाग शो की क्रिएटिव टीम से काफी ज्यादा खफा खफा चल रही है, क्योंकि वो अपने करंट ट्रैक से बिल्कुल खुश नहीं है। ऊपर से जो डेट्स उन्होंने शो को दी हैं, उन डेट्स पर भी वो घर में ही बैठी हुई हैं। आपको बता दें कि जून और जुलाई के महीने में मिताली नाग ने नाग के बराबर ही शूटिंग की है। अब ऐसे में मिताली नाग ने मन बना लिया है शो को बाय बाय कहने का, और इसके लिए उन्होंने शो की पूरी टीम को इन्फॉर्म भी कर दिया है। खैर, मिताली का जाना फैंस को परेशान तो करेगा ही, क्योंकि इस शो का हर एक कैरेक्टर ऑडियंस के साथ किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, और ऊपर से सई दिव्यानी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री, दोनों के बीच की मस्ती, लव केयर, रिस्पेक्ट, दर्शक काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। हालांकि अभी तक ये अपडेट तो सामने नहीं आई है कि मिताली नाग के जाने के बाद शो में दिव्यानी का किरदार कौन सी एक्ट्रेस प्ले करेंगी, लेकिन अब जो मिताली ने अपना मन बना ही लिया है, तो ऐसे में मेकर्स को भी फटाफट से दर्शकों के लिए दूसरी दिव्यानी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ आने वाले दिन होने वाले हैं बहुत ज्यादा खास, फिर चाहे वो विराट सही बाकी हो या फिर पुलकित और दिव्यानी हो। वैसे शो के जबरा फैंस को बताते चले कि जल्द ही शो में सम्राट की वापसी होगी, जिसके बाद कहानी पूरी तरीके से बदल जाने वाली है और शुरू होगा पाखी का सबसे बुरा वक्त। वैसे हम इस शो के फैंस से ये जरूर जानना चाहते हैं कि आप लोगों का गुम है किसी के प्यार में कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है जिसको देखना बेहद पसंद करते हैं। शेयर कीजिएगा अपनी राय हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में।